हेलो गाइस, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल शुभजीत एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। तो आज एक गाइस बनाने वाले हैं डेकोरेशन लाइट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करके बटन है जो दबा देना और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए तो सिंपली गाइस देख सकते हैं आठ हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले चुके हैं। इसका कनेक्शन करेंगे और आपको वीडियो में पूरा बने रहे अंशों से अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाए। इसको साइड में रखते हैं और लेते हैं 4007 का डायोड। 4 डायोड ले लेंगे गाइस, इस तरीके से देख लो। इस तरीके से 4 डायोड ले लेंगे और लेने के बाद इसको साइड में एलईडी बनाने के लिए इस तरीके से एलईडी कैप है पुराना वाला जो है देख सकते हैं, उसको ले लेंगे और उसकी बराबर से एक पीवीसी पाइप जो है उसको काट लेंगे गाइस। इस तरीके से आरजीबी एलईडी ले लेंगे, 8 एलईडी ले लेंगे इस तरीके से। और इस एलईडी को देख सकते हैं, इस एलईडी को इधर फिट करने के लिए इधर 8 एलईडी के लिए इधर होल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसको इसमें होल्ड कर लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन से हम इस तरीके से होल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से होल्ड हम कर चुके हैं, अभी इस एलईडी को फिट कर लेंगे। तो सिंपली गाइस इस तरीके से जो एलईडी है वो ले लेंगे और इसकी और डालने के लिए एलईडी है, ये आरजीबी एलईडी है, ठीक है ना गाइस। और ये जो आरजीबी एलईडी का ये जो बड़ा लेग है ये पॉजिटिव है और छोटा जो छोटा लेग है वो नेगेटिव है, ठीक है ना गाइस। इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव एक साथ, पॉजिटिव गाइस नेगेटिव इस तरीके से गाइस होल्डिंग करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है गाइस। तो गाइस तो हम सिंपली देख सकते हैं और इसका कनेक्शन कभी नहीं किया, अभी इसका जो सेटअप है वो कर चुके हैं। अभी इसका कनेक्शन करते और आपको समझाते हैं। देख लो गाइस इस साइड का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना गाइस। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ मिला दिया, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ मिला दिया, इसकी पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ मिला दिया और ये जो एलईडी है ये गाइस टूट गया है, इसको सीधे रहने देंगे। और ये इसका पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ मिला दिया, नेगेटिव नेगेटिव इसका एक साथ मिला दिया, आपको कनेक्शन करके दिखा दिया है, आपको दिखा देते हैं। इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, और इस साइड इसका पॉजिटिव गाइस और ये इस साइड का नेगेटिव, ठीक है ना गाइस। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है गाइस। इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव, ये है पॉजिटिव गाइस, और ये जो बचा ले गया ये नेगेटिव है, ठीक है ना गाइस। आपको कनेक्शन आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ चुका है। ये कनेक्शन एकदम इजी है, ठीक है। आठ को हम इस तरीके से करके जोड़ लिए हैं गाइस, हम स्पेस होल्डिंग कर लेते हैं। तो देख लो गाइस ये हमारा लगभग सोल्डिंग हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो सोल्डिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको साइड में देख लो, 4 डायोड और इसका जो पॉजिटिव है और इसका जो पॉजिटिव है, इस दोनों को एक साथ इस दोनों को हम पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को एक साथ इस तरीके से जोड़ लेंगे। और
इसका जो और इस सेट का जो नेगेटिव है, इस हेड का नेगेटिव को इस तरीके से जोड़ लेंगे गाइस। इस तरीके से जोड़ने के बाद गाइस इस सेट का पॉजिटिव और इस सेट का नेगेटिव दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो गाइस सिंपली देख लो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी इस पर सोल्डिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा ये जो डायोड है इसका हम सिंपली अच्छे से सोल्डिंग कर चुके हैं। देख लो गाइस इसका इसका जो नेगेटिव है ये नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक साथ मिला दिया और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक साथ और इसका नेगेटिव एक साथ, ठीक है गाइस इसको मिला चुके। तो गाइस सिंपली ले लेंगे इस एलईडी पार्ट को, देख सकते हैं इस एलईडी को जो हमने सेट किया है उसको ले लेंगे और ये जो रेड कलर का वायर है देख सकते हैं इसको हम पॉजिटिव में लगा लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे गाइस पॉजिटिव पे इस तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे और नेगेटिव को एलईडी के नेगेटिव पे सोल्डिंग कर लेंगे गाइस। देख लो गाइस ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अब लेते हैं डायोड को, देखते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से एक डायोड ले लेंगे और डायोड की जो पॉजिटिव वायर है देख सकते हैं ये है इसका पॉजिटिव, देख लो गाइस पॉजिटिव और एलईडी की पॉजिटिव वायर इस पर सोल्डिंग कर लेंगे। पहले थोड़ा सा देख लो इसका कनेक्शन। तो सिंपली गाइस डायोड लेंगे इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको इसमें इस तरीके से मिला के सोल्डिंग कर लेंगे। तो गाइस इस पर सोल्डिंग कर लेंगे हम, थोड़ा सा शोल्डर वायर दे देते हैं इस तरीके से, शोल्डर वायर लगा चुके हैं गाइस। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, देख लो गाइस इसमें टेपिंग कर लेते हैं हम। चलिए टेपिंग कर लेते हैं। तो हम जो सर्किट है उस पर इस तरीके से सर्किट जो है उसको सोल्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेते हैं इस तरीके से ये जो कैप होता है इसको लेंगे और इसकी जो वायर है इसको छील लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस देख सकते हैं इसको हम अप, तो गाइस इसमें थोड़ा सा सोल्डिंग हम कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये जो वायर है इस वायर को हम सिंपली ये जो डायोड है डायोड की पॉजिटिव नेगेटिव ये जो देख रहे हैं इसमें हम सीधा इस पर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये गाइस देख सकते हैं ये हमारा सोल्डिंग, देख सकते हैं इसको हम टेपिंग कर चुके हैं। अभी इसको अंदर फिट कर लेते हैं, इस तरीके से गाइस अंदर फिट कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। गाइस देख सकते हैं ये हमारा फिट है, अभी आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। गाइस देख सकते हैं ये जो हमारा सर्किट है ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इससे ग्लूगन से सब सर्किट जो है उसको पैक कर चुके हैं और इसको इस तरीके से डिजाइन किया है। अब जो ये वाला कैप है इसके अंदर डालेंगे, गाइस डाल देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गाइस हमारा डेकोरेशन लाइट कंप्लीट हो चुका है और इसमें थोड़ा सा ग्लू कर साइड साइड से भर देते हैं और फिर आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। ये हमारा लगभग ग्लूगन से कंप्लीट हो चुका है और इसको सूखने के लिए थोड़ा सा रखते हैं। A few moments later, कंप्लीट सूख चुका है, अभी इसको हम आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं हम अभी तो आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं और इसको होल्डर पे सेट कर दिया है गाइस, देख लो। और इसको स्विच को जैसे प्रेस करेंगे ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो लाइट है ये आपको ऑफ करके दिखा देते हैं। देख लो गाइस हमारा जो डेकोरेशन लाइट है वो बिल्कुल
कितनी तरीके से वर्क कर रहा है ये आपको देख लो गाइस। ठीक है गाइस, और आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं हम। देख लो गाइस ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, लाइट को ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। देख लो गाइस, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।